देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। देश के गरीबों को मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मकसद से केंद्र सरकार की ओर से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की गई है। अब सरकार ने गरीबों को लाभ के लिए रेलवे और सरकारी कंपनियों के अस्पताल को इस योजना से जोड़ने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार रेलवे और सरकारी कंपनियों के अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने सभी मंत्रालय के सचिवों, राज्य के मुख्य सचिवों और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को 1 नवंबर को पत्र भेजा था। इस पत्र में कहा गया था कि सरकार ने फैसला किया है कि आयुष्मान भारत योजना का कवरेज बढ़ाने के लिए रेलवे और सरकारी कंपनियों की ओर से संचालित अस्पतालों को इससे जोड़ा जाएगा। नवंबर में हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़े कार्यक्रम में नीति आयोग के सलाहकार आलोक कुमार ने भी ये मुद्दा उठाया था। दो सरकारी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर में राजीव गाबा की ओर से पत्र जारी होने के बाद से अब तक ऐसे 236 अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा चुका है। अभी 700 अस्पताल ऐसे बचे हैं जिनको इस योजना से जोड़ा जाना है। जिन 236 अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया है उनमें से 91 अस्पतालों का संचालन भारतीय रेलवे करता है, अन्य 36 अस्पताल कोल मंत्रालय और 10 अस्पताल EPFO की ओर से संचालित किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सितंबर 2018 में लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को सरकार की ओर से नामांकित अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के लॉन्च होने के बाद अब तक 78 लाख मरीजों का उपचार किया जा चुका है। इस योजना से अब तक देश भर में 21,271 अस्पताल जुड़ चुके हैं।